44 डिग्री तापमान में संचालित हो रही आंगनबाड़ी केंद्र उकवा। ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते स्कूलों में छुट्टी लग गई है। स्कूली बच्चे अपने घरों में हैं या फिर हिल स्टेशनों पर अपनी छुट्टियां बिता रहे हैं, लेकिन 44 डिग्री तापमान में जिले भर में 2555 आंगनबाड़ी केंद्र और प्ले के स्कूल खुले रहे, इनकी ओर शायद विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान नहीं है। वहीं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी हादसे के इंतजार में हैं। तभी तो 44 डिग्री तापमान के बीच आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण खासकर ऐसे कैदों के बच्चों का जीना मुहाल हो गया है, जहां सिंगल कमरे में केंद्र का संचालन किया जा रहा है। वहीं जिले के ग्रामीण अंचलों में कुछ ऐसे केंद्र भी देखने को मिल रहे हैं। टीन सेट से बने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का जबरन बिठाया जा रहा है। मालती नंद बालक का कहना है कि बच्चों को केंद्र नहीं भेजे तो सहायिका घर पहुंच जाती है, जिनका कहना होता है कि आप बच्चों को भेजिए, नहीं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, इसलिए उनकी जवाबदारी पर बच्चों को भेजते हैं। इतनी गर्मी में बच्चों के लिए अवकाश घोषित करना चाहिए। पालक जनार्दन सरभांग का कहना है कि इतनी भारी गर्मी होने के बावजूद भी शासन के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है, जबकि आंगनबाड़ी केंद्र में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को एवं छात्री तथा किशोरी बालिकाओं को एवं गर्भवती महिलाओं को शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाता है, किंतु इस मौसम में आंगनबाड़ी केंद्र की छुट्टी लगा देना ही लाभदायक होगा, क्योंकि हम लोग भी अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने के लिए नहीं देखे और ना ही इस गर्मी में हम भेज सकते हैं। मौसम विभाग का रेड अलर्ट, मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। तापमान में 45 से 55 डिग्री तक की बढ़ोतरी होने की अनुमान भी है। जिले में लहू लपट से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके आंगनबाड़ी में पहुंचने वाले 5 वर्ष तक के बच्चों को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जाना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी समस्या पड़े हैं। हालांकि विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों के समय में परिवर्तन कर सुबह 7:30 बजे से 1:30 बजे तक कर दिया है, लेकिन इस परिवर्तन से भी बच्चों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। बच्चों की सेहत पर असर, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों में गर्मियों की छुट्टियां अभी तक नहीं की गई है। अब तक निकलने के साथ ही सूरज की ताकत से धरती तक अपना शुरू हो जाती है। 44 डिग्री तापमान के बीच आंगनबाड़ी केंद्रों में नन्हे बच्चों को बुलाना उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। अभिभावकों का कहना है कि इतनी गर्मी के बीच बच्चों को केंद्र में भेजने के लिए कोई परेशानी है, लेकिन इतनी गर्मी में असर उनके बच्चों को सेहत बिगड़ जाए तो विभागीय अधिकारी उनकी जिम्मेदारी भी ले। उकवा से अशोक राउत की रिपोर्ट। आपका परिचय? मेरा नाम मालती नंद है, मैं फुरफुरी नगर में रहती हूँ। मैं अपने बच्चों को भेजती हूँ यहाँ आंगनबाड़ी पे, और यहाँ बहुत धूप पड़ रही है सर। यहाँ जो जब भी आते हैं खूब धूप चढ़ रहा है, यहाँ पे इतना टीन लगा हुआ है। बाकी यहाँ पे और क्या कहते हैं, तो 12वीं से 10वीं तक तो लोगों की छुट्टी हो गई है। पहली से लेकर 12वीं तक, पहली से लेकर 12वीं तक के लोगों की छुट्टी हो गई है। हमारे बच्चों को छुट्टी देना चाहिए। अच्छा। हाँ सर, मेरा नाम जनार्दन है, मैं वार्ड नंबर 14 में रहता हूँ। और जैसा कि हमारे यहाँ पर आंगनबाड़ी स्कूल है, और जब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, यानी 0 से लेके 3 तक यहाँ बच्चे आते हैं, जबकि आप को ये मालूम होना चाहिए, विदित हो कि अभी जो वर्तमान में जो गर्मी है बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली गर्मी है। और जैसा कि हमें ये मालूम है कि पहली क्लास से लेके लगभग 12वीं क्लास तक सभी शासकीय स्कूलों को बंद कर दिया गया है, खासतौर से गर्मी को देखते हुए। तो हम ये चाहेंगे कि इस आंगनबाड़ी में जो बच्चे आज जो सवेरे से जो आते हैं, जैसा कि आपको ये मालूम है कि सवेरे लगभग 7 बजे से ही गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर से लगती है, तो ऐसे में हमारे इन बच्चों की क्या हालत होगी। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम प्रशासन से, शासन से ये मांग करते हैं कि ऐसे गर्मी के दौर पर इन बच्चों के इन आंगनबाड़ियों को, जहाँ जहाँ भी आंगनबाड़ी लगती है, जहाँ भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, उन सभी आंगनबाड़ी को अभी जब तक ठंड का मौसम ना आ जाए या कुछ दिनों के लिए, यानी ये स्कूल को बंद किया जाए। मैं यही शासन से, प्रशासन से यही मांग करता हूँ।